गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए। आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 11 स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। कैसे कंप्लीट करेंगे पैटर्न्स को, देखिए यह आपका एक रेक्टेंगल जैसा पिक्चर दिया हुआ है, फिर गोल रिंग, फिर ट्रायंगल, फिर आप रेक्टेंगल जैसा देख रहे हैं, फिर रिंग, फिर ट्रायंगल। तो फिर आप क्या पिक्चर बनाएंगे? रेक्टेंगल जैसा। फिर क्या बनाएंगे आप? रिंग जैसा। और फिर इसके बाद ट्रायंगल जैसा। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, रिंग है, स्क्वायर है, रिंग है, स्क्वायर है, रिंग है, स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे आप? रिंग, स्क्वायर, फिर रिंग, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं थर्ड नंबर में, ये आपका रिंग है, इसके बाद कॉक जैसा पिक्चर बना हुआ है, फिर ये कोन है, फिर आपका रिंग है, कॉक है, और ये कौन है, या आप इसको स्फेयर मान करके चलिए, ये स्फेयर है आपका, ये कप है और ये कौन है, फिर रिंग, कप और कौन। तो फिर क्या आएगा इसके बाद? रिंग आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? कप आएगा आपका, इसके बाद क्या आएगा? कौन आएगा आपका। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं कि एक छोटा सा आपका स्फेयर है, यहाँ पर टू स्फेयर है, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर फोर, फिर वन है, फिर टू है। अगला बार में आपका क्या होगा? नेक्स्ट थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा। इस प्रकार आप वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, ये आपका एक रिंग आकार का है, इसके बाद ये एक छोटा सा पार्ट कर्व लाइन जैसा बना हुआ है, फिर ये मैं देख रहा हूं एक स्क्वायर आकार का है, और ये आपका कर्व लाइन जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो फिर यहां पर आप एक रिंग जैसा करेंगे, और फिर ये कर्व्ड लाइन कर देंगे, फिर ये आप स्क्वायर, और फिर कर्व्ड लाइन, फिर ये आपका रिंग आकार का, और ये कर्व्ड लाइन। इस प्रकार आपका वन बाय वन कंप्लीट होते जाएगा। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर सिक्स पर ध्यान देना है, कि क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है। देखिए ये पिक्चर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, देख रहा हूं कि यहां एक पिक्चर हंस रहा है तो दूसरा रो रहा है, इसी तरह फिर हंस रहा है, फिर रो रहा है, फिर हंस रहा है, फिर रो रहा है। तो इसके बाद भी फिर बनाएंगे तीन पिक्चर, क्योंकि तीन ब्लैंक है। फिर देखेंगे कि यहाँ हंस रहा है, फिर यहाँ रो रहा है, फिर यहाँ हंस रहा है। इस प्रकार आपका यह कंप्लीट हो गया सिक्स नंबर। सेवन नंबर में मैं देख रहा हूं कि यह क्रॉस का साइन है, यह रॉन्ग का साइन है, और यह राइट का, यह रॉन्ग, यह राइट, ये रॉन्ग राइट। इसके बाद क्या होगा? रॉन्ग राइट रॉन्ग, देख रहा है, रॉन्ग राइट रॉन्ग। एक नंबर में देख रहा है कि ए बी सी है, फिर रिपीट किया गया है ए बी सी, तो फिर रिपीट होगा एक बार, ए
बी सी, देख रहे हैं ए बी सी। नेक्स्ट देख रहा हूं नाइन नंबर, 12 है, 23 है, 34 है, 45 है, 56 है, 67 है। मैं देख रहा हूं कि 12 में 11 प्लस करने पर 23 आया है, 23 में 11 प्लस करने पर 34 आया है। देख लीजिए 12 में 11 प्लस करने पर आपका आया है 3 to 23, फिर 11 प्लस करने पर 34 आया है आपका, फिर 11 प्लस करने पर 45 आया है, फिर 11 प्लस करने पर 56 आया है, फिर 11 प्लस करने पर 67 आया है, फिर 11 प्लस करने पर 78 आया है, फिर 11 प्लस करेंगे 819 और 789 कंप्लीट कर देंगे, फिर 11 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 09 10, आपका हो जाएगा 100। सब में 11 प्लस किया गया है, इसमें 11 प्लस करेंगे तो 178 617, फिर 11 प्लस करेंगे तो 189 178, फिर 11 प्लस करेंगे तो 100। मैं देख रहा हूं इसमें कि ये 10 नंबर में ए है, फिर डबल ए है, फिर देख रहा हूं डबल बी है, फिर ए है, फिर डबल ए है, फिर डबल बी, तो फिर आप क्या कर देंगे, ए लिखेंगे फिर डबल ए लिखेंगे फिर डबल बी लिख देंगे, ए डबल ए और डबल बी। मैं नेक्स्ट 11 नंबर देख रहा हूं, ये एरो का साइन आपका राइट साइड की तरफ इसका मुंह है, यानी कि ये रे राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, फिर है लेफ्ट साइड, तो अगला रे जो आपका बनेगा वो राइट साइड में होगा, फिर लेफ्ट साइड में होगा और फिर राइट साइड में होगा। इस प्रकार आपका 11 तक कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 11 था, 11 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपने तरफ से दिखा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका एक ए नंबर क्वेश्चन ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर जी है, और इसके बाद तीन ब्लैंक ले लिया गया है भरने के लिए आपको, ए सी ई जी, इसके बाद क्या कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ए है,
ए के बाद बी को छोड़ दिया गया है, सी लिखा गया है, फिर डी को छोड़ दिया गया है, ई लिखा गया है, फिर एफ को छोड़कर जी लिखा गया है। उसी तरह जी के बाद क्या आता है, एच, तो एच को हम लोग छोड़ देंगे, इसके बाद लिखेंगे आई, फिर जे को छोड़ देंगे के, फिर एल को छोड़ेंगे एम। इस प्रकार ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए ए, ए के बाद बी को छोड़कर सी, डी को छोड़कर ई, एफ को छोड़कर जी, एच को छोड़कर आई, जे को छोड़कर के, एल को छोड़कर एम, कंप्लीट कर दिया गया। इसी तरह और भी बी नंबर के देख लेंगे। यहां 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। आई इसके बाद मान लेते हैं आपको ब्लैंक प्लेसेस 3 दे दिया गया। नेक्स्ट 3 स्टेप और लिखना है। तो ये 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, और 10 7 70। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और भी जो क्वेश्चंस है अपने से भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे आप लोग और बनाएंगे। नेक्स्ट जो भी बचा है मैं उसको अगले क्लास में देखूंगा, अगर कुछ क्वेश्चंस बचा है तो। और भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि घर पर बैठिए, अच्छी तरह से फेस कॉपी पर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।